बनाइए आलू से इतनी मजेदार चटपटी सी रेसिपी। और सबसे बड़ी मजेदार सी बात, बहुत ही आसान। जब आप इसे बनाएंगे आपको लगेगा इतनी आसान, क्या है इसमें खास। लेकिन एक बार जब आप इसे चख लेंगे या जिसे भी खिला देंगे, यकीन माने दीवाने हो जाएंगे इस चटपटी मजेदार सी आलू की रेसिपी के। बनाने से पहले आपसे छोटी सी है रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई मेहनत का काम नहीं, सिर्फ एक बटन प्रेस करना है। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और चलिए बनाने की हम करते हैं शुरुआत। आलू को धो लिया है, कच्चे आलू, और बीच बीच से इसे बस आपको हाफ इंच का चीरा लगा देना है, कट कर देना है। पूरे आलूओं को काटना नहीं है, बस बीच में आप हल्का चीरा लगा दें। अब इसके बाद डालेंगे हम इसे कुकर में और डालेंगे जरा सा पानी। आलूओं को उबालते समय आप बहुत ज़्यादा पानी को नहीं डालें। एक कप पानी डाल दिया। अब साबुत गरम मसाला, दालचीनी का टुकड़ा और उसके साथ लौंग के हैं 3-4 टुकड़े बस। और यहाँ पर हम डालेंगे ये वाला पानी। कौन सा है पानी, इसके लिए करिए थोड़ा सा इंतज़ार। आलूओं को उबालते समय इसका हम ध्यान रखेंगे, आलू को बहुत ज़्यादा ओवर कुक हमें नहीं करना है। आलू हमारे अच्छे से बॉयल हो जाएं, पक जाएं, बहुत ज़्यादा ओवर कुक हमें नहीं करना। मीडियम फ्लेम पे आप इसे 3 सीटी लगने दें। और जब ये ठंडी हो जाए, हमने इसे एक स्टेनर में डाल लिया हुआ है, आलूओं को अब हम छील लेंगे। आलूओं को छीलने के बाद जो इसमें हमने टुकड़ों को डाले हुए थे गरम मसाले के साबुत, उनको हमें फेंक देना, उनका काम ख़त्म। उनको कहते हैं टाटा बाय बाय और चलते हैं। अब आलूओं को छोटे छोटे टुकड़े हम कर लेंगे। इन आलूओं के आप बड़े बड़े टुकड़े ना रखें, छोटे छोटे टुकड़े कर लें, जिससे इसका जायका और स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो छोटे छोटे टुकड़े हम कर लेते हैं आलूओं के। सारे आलूओं को ऐसे ही मैं काट लूँगी। अब एक कढ़ाई या पैन में डालेंगे हम घी। भाई स्पेशल है आलू तो थोड़ा सा कर लीजिए, अपने किचन का खर्चा थोड़ा सा खर्चा बढ़ा रही हूँ, ज़्यादा नहीं। घी को डालिए 1 बड़ा चम्मच। इसमें सरसों और साथ में हम डालेंगे करी पत्ता, मीठा नीम। और जब ये थोड़ा अच्छे से चटक जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चटक जाए, फ्लेम को या तो आप बंद कर दें या बिल्कुल कर दें धीमी। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 ही छोटा चम्मच धनिया पाउडर। हल्दी से बिल्कुल ज़रा सा ज़्यादा डालेंगे धनिए को। और साथ में देगी मिर्च, काश्मीरी मिर्च 1 चम्मच। इनको हम कोशिश करेंगे कि अपने घी के ऊपर ही डालें, कढ़ाई सूखी कढ़ाई में ना डालें। हींग 1/2 चम्मच डाल रही हूँ छोटे चम्मच से, इसे आप ज़रूर डालें। और बस फटाफट डालें अब अपने आलूओं को। फ्लेम को कर दें लो से थोड़ा सा ज़्यादा, फ्लेम को हाई नहीं रखना है हमें, लो टू मीडियम पे आप रखिए। और अब इसे कम से कम आपको 4 मिनट के लिए भुनना है। कोई हमें काम नहीं करना, कोई अब हमें इसमें मसाले वगैरह नहीं डालना। आप अभी तक देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा इस आलू में ऐसा क्या खास हो सकता है, मसाले तो कुछ है नहीं, कुछ भी हमने एक्स्ट्रा किया नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूँगी, किसी किसी चीज़ को आप जब तक चख कर देखेंगे नहीं, इसके स्वाद का अंदाज़ा आप नहीं लगा पाएंगे। ज़रूर ही आप इसे बनाए, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं, टिफ़िन में आपको देना है, बीच में हम डाल देंगे इसमें नमक अपने स्वाद के अनुसार। जितना नमक खाते हैं उससे बस 1 पिंच आप नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें डालें। और इसे आप फिर से भूनेंगे। टोटल टाइमिंग हमें 5 से 6 मिनट इन आलूओं को भूनते रहना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद आप इसे पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटियों के साथ, चावल के साथ, किसी भी खाने के साथ खाएं। खाने वाले तारीफों के पुल ना बांध दें, फिर आप कहें। ऊपर से हरे धनिए से इसे सजाएं और आपकी ये चटपटी सी बहुत ही आसान सब्जी बनके हो जाएगी तैयार। आलूओं को उबालते समय हरा धनिया, उसकी चटनी रखी हुई थी 1 चम्मच बस हरे धनिए को मैंने पानी में मिक्स करके इसमें डाल दिया था, जिससे आलू जब उबले उनमें एक तो था गरम मसाला, दूसरा था थोड़ा सा हरा धनिया, बहुत ही अच्छा आता है इससे जायका। फिर मिलते हैं, बाय बाय।